पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना की जा रही है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो संयंत्र से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मेथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा। सिंगरौली में विंध्याचल परियोजना के कार्यकारी निदेशक ई सत्यफनी कुमार ने कहा कि विंध्याचल परियोजना विद्युत उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया और अहम कदम उठाते हुए कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना कर रहा है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो किसी विद्युत संयंत्र में स्थापित होकर विद्युत संयंत्र से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मेथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा। उन्होंने बताया कि विंध्याचल परियोजना 26 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारा कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट है ये एनवायरनमेंट एस्पेक्ट में। ये CO2 मेथनॉल प्लांट है ना, NTPC में पहला प्लांट है, ऐसा इंडिया में भी पहला है। हमारा जो फ्लू गैस बाहर जा रहा है उससे 20 टन पर डे CO2 निकाल के हम स्टोरेज करके उसका साथ 2 टन का हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन जनरेट करके दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद डेली 10 टन का मेथनॉल प्रोड्यूस करने का प्लांट है। इसी में CO2 कैप्चरिंग लगभग एक साल से चल रहा है। अभी हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट भी कमीशनिंग चल रहा है। इसके बाद मार्च अप्रैल में हम मेथनॉल प्लांट भी कमीशन हो जाएगा। इसका ये पूरा तीनों स्टेज कंप्लीट होने से हम डेली 10 टन का मेथनॉल प्रोडक्शन का कैपेसिटी आ जाएगा। इससे हम ये मेथनॉल फिर बॉयलर में बर्न करके हम और कोयला सेव कर सकते हैं। इतना इससे इसका फायदा है, हम CO2 का इमिशंस कम कर रहे हैं, जो आकाश में जा रहे हैं उसका कम करके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रेज है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री का नीचे एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का है। इसी में एक अच्छा स्ट्रैटेजी है CO2 कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।